दोस्तों, बॉडी में गर्मी होना ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जब हमारे शरीर की गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सीधे सीधे लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आएगा, पसीने में बदबू भी काफी होगी, प्यास बहुत लगती है, ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते ही रहें, धूप बर्दाश्त नहीं होती, धूप में अगर जाना पड़ जाए तो चेहरा लाल हो जाता है या रैशेस पड़ जाएंगे। अगर आपको शरीर पे कहीं पिगमेंटेशन हो रही हो, जैसे छोटे छोटे काले दाग का हो जाना, फोड़े फुंसियां निकलना या हाथ पैरों की तलवियों से सेक निकलना, आंखों में जलन होना, ये सब दर्शाते हैं कि बॉडी में गर्मी बढ़ गई है। और बात करें तो बालों का समय से पहले ही सफ़ेद होना या बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म में ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना या बॉडी के किसी पार्ट में ब्लीडिंग होना जैसे पाइल्स में होता है, रूट कॉज बॉडी हीट ही है। फिर अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टे डकार आते हैं, मुंह में छाले होते रहते हैं, तो समझ लें कि शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण आए, इनमें से कोई दो तीन लक्षण भी अगर आपको रहते हैं तो समझ लें कि शरीर की गर्मी बढ़ गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सभी सिम्टम्स का मूल कारण है एक्सेसिव बॉडी हीट। इसलिए अगर हम इस बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दें तो ये सभी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, और इसे करना बहुत आसान भी है। आइए बात करते हैं 5 इजी और इफेक्टिव तरीके जिससे आपकी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी बाहर निकल जाएगी। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, शरीर की गर्मी बढ़ने का मतलब बॉडी में पित्त दोष का इम्बैलेंस होना है। लेकिन ये गर्मी बढ़ती क्यों है? एक तो सिंपल मौसम की वजह से, गर्मियों में ये दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा भी गलत खान पान से, स्मोकिंग करने से, एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक से और स्ट्रेस लेने से बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, जिस वजह से चाहे आप कितनी क्रीमें लगा के इसे ढकने की कोशिश करें, ये सब लक्षण रहेंगे ही। लेकिन घबराएं नहीं, बात करते हैं 5 असरदार तरीकों की जिससे बॉडी हीट की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है गोंद कतीरा। दोस्तों, अगर कोई एक चीज ऐसी है जो शरीर की गर्मी कम करने में बहुत असरदार है तो वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा, जिसे इंग्लिश में ट्रैगेगेंथ गम भी कहते हैं, ये गर्मियों के सीजन में पेड़ों के तने से नेचुरली ही निकलती है। ये जब निकलती है तो चिपचिपी गूंद जैसी होती है, लेकिन बाद में सूख जाती है, जिसे हम आसानी से किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो दो तो 2-3 घंटे में ही फूल कर काफी ज्यादा बन जाती है। नींबू पानी इंस्टेंटली अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसमें 1 चम्मच गोंद कतीरा का डाल दें फिर तो क्या कहना। आपने अगर कभी ठेले पर शिकंजी पी हो तो देखा होगा कि वो लोग भी गर्मियों में नींबू पानी में गोंद कतीरा डालते हैं। चरक संहिता के अनुसार गोंद कतीरा हीट स्ट्रोक से बचाने का गजब तरीका है। ये इतनी ठंडी होती है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया गया है। और इसके फायदे सिर्फ यहीं तक ही नहीं, गोंद कतीरा का 1 चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपकी बॉडी कूल तो रहेगी ही, साथ में लिवर हेल्थ इम्प्रूव होगी, बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और चेहरे का ग्लो भी इंक्रीज होगा। इसे आप किसी भी ड्रिंक में, जैसे किसी शरबत में या फिर रात को सोने से पहले दूध में डालकर भी पी सकते हैं। टेस्ट वाइज गोंद कतीरा का अपना कोई खास टेस्ट नहीं होता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि गोंद कतीरा का फायदा आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। जैसे अगर गर्मी से आपकी आंखें जलती हों, आंखें लाल रहें, तो ऐसे में गोंद कतीरा को लेकर अपनी दोनों आंखों पे लगाकर 10 मिनट के लिए लेट जाएं। ऐसा आराम आ जाएगा कि आप कहोगे कि पहले क्यों नहीं पता था ये। गोंद कतीरा का आई पैक रेगुलरली लगाने से डार्क सर्कल्स भी कम हो जाते हैं। फिर अगर आप गोंद कतीरा को अपने माथे पे और पैरों की तलवियों पे लगाकर 20 मिनट के लिए रेस्ट कर लो तो शरीर की गर्मी से आए लक्षण बहुत ही जल्दी कम होने लगते हैं। दोस्तों, गोंद कतीरा का 100 ग्राम पैक आपको 30 रुपए में किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएगा। इतनी सस्ती चीज और गर्मी में इतने फायदे, जरूर ट्राई करें इसे। हाँ, खरीदते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि गोंद कतीरा खरीदना है, गोंद नहीं। दिखने में एक जैसे लग सकते हैं लेकिन बहुत फर्क है दोनों में। गोंद तो हम लोग सर्दियों में लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी तासीर गर्म होती है, जबकि गोंद कतीरा ठंडा है। और वो गोंद तो पानी में डालने से फूलती भी नहीं,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अनस्पॉन्सर्ड लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर को ढकना। दोस्तों, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को तो काम करते देखा होगा, भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो, लेकिन एक चीज जरूर होती है कि उनका सर ढका होता है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? मैंने एक बार क्यूरियोसिटी में एक ऐसे ही मजदूर से पूछा था, उनका जवाब मुझे हैरान कर गया। मुझे एग्जैक्टली याद है उन्होंने कहा था, इससे गर्मी का असर नहीं होता। दोस्तों, भले ही उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां ना हो, लेकिन उन्हें अपने काम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ सर को ढकने से वो लोग सनस्ट्रोक, स्किन रैशेज और बाकी बॉडी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम से बच जाते हैं। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सूर्य एक नेचुरल डॉक्टर है, लेकिन भारत का एक तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, दूसरा अब ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है। ऐसे में सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सन रेज बहुत हार्श होती हैं। इस टाइम जब सूर्य की किरणें हमारी नंगे सिर पर डायरेक्टली पड़ती हैं, तो उससे अंदर तक उसकी गर्मी का असर होता है। वो एड नहीं आती थी जिसमें सूरज पाइप से सारी एनर्जी को खींच लेता है, एक्चुअल में वैसा ही कुछ हो रहा होता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर धूप में नंगे सर जाएं तो ना सिर्फ बॉडी में गर्मी बढ़ती है, बल्कि इससे ओजस शक्ति भी घटती है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि गर्मियों में इस टाइम ड्यूरेशन में इंडोर ही रहें, लेकिन अगर बाहर जाना पड़े तो सर को ढकना ना भूलें। आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नहीं तो कैप का इस्तेमाल कर लें। लड़कियों के लिए स्कार्फ भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर कुछ भी ना हो तो सिर्फ रुमाल को ही सर पर बांध लें, बहुत फायदा होगा। आप देखेंगे कि गर्मी का उतना असर नहीं हुआ। बाइक चलाते हुए हेलमेट जरूर पहने, सेफ्टी तो है ही, साथ में शरीर की गर्मी भी नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने देखा है कि काफी लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। ठीक है, शरीर पे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में तो सर पर बिल्कुल भी ना डालें। इससे बॉडी हीट बढ़ेगी और बाल उम्र से पहले सफेद होने लग जाएंगे, बालों में डैंड्रफ होगा और बाल झड़ेंगे भी ज्यादा। बल्कि बॉडी हीट को कम करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप ठंडे पानी से ही नहाएं। अगर आपको लगता है कि आपको बॉडी हीट की काफी समस्या है, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लें। वैसे मोटी मोटी बात ये है कि सर को गर्मी से बचाना है, फिर उसके लिए चाहे धूप में जाते हुए सर को ढकना हो या नहाते हुए गर्म पानी से बचाना हो। ये दो चीजें अगर आप कर लें तो बॉडी हीट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पक्का कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है कूल ड्रिंक्स। शरीर की गर्मी जब बढ़ती है तो एक लक्षण जो अक्सर ही सामने आता है वो ये कि प्यास बहुत लगती है। ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते ही रहो, लेकिन ऐसे में हम पीते क्या हैं? हम स्प्राइट पीते हैं, ठंडक स्प्राइट, कोका कोला पीते हैं, एक ठंडा लगा कोका कोला, पेप्सी पीते हैं, पेप्सी अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग, लिम्का पीते हैं, लिम्का मत थक, या आजकल लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीने लगे हैं। एनर्जी बोले तो स्टिंग। ये सब रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम चूस लेती हैं। ये सिर्फ कहने को कोल्ड ड्रिंक हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इतनी एसिडिक होती हैं कि पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती हैं। इन सो कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक्स को पीने का मतलब तो ऐसा है कि आग बुझाने के लिए घी डालो। इन्हें पीने से आपको एसिडिटी होगी और पेट में अल्सर भी हो सकता है, इसलिए हम इनकी मार्केटिंग में ना फंसें, और अगर सच में शरीर की गर्मी कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर कूल ड्रिंक्स पिएं। जैसे गन्ने का जूस आजकल हर जगह बड़े आराम से मिल जाता है, 20 रुपए का एक गिलास, तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर की गर्मी कम करने का एक टेस्टी और प्रमाणित नुस्खा है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स लिवर में बढ़ी गर्मी कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली मीठा है, जिस वजह से ये डायबिटिक लोगों को भी लिमिट में परेशान नहीं करता। एक ग्लास फ्रेश गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो, उसमें नींबू डलवा लो, पुदीना डलवा लो, बर्फ कम रखो, और भी ठंडक देगा। आप खुद सोचो कोल्ड ड्रिंक्स का क्या कंपैरिजन इससे। फिर नारियल पानी भी एक जबरदस्त ड्रिंक है जो ना सिर्फ एक्सेस बॉडी हीट को नेचुरली कम करती है, बल्कि स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि नारियल पानी पीने से किडनी स्टोन डिसॉल्व होकर यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है, ब्लड शुगर नीचे आती है और पिंपल्स को भी ये ठीक करता है। दोस्तों, स्टैटिन ड्रग्स के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा, ब्लड प्रेशर और जनरली हार्ट के लिए सबसे पावरफुल ड्रग्स हैं। लेकिन मेडिकल साइंस खुद मानती है कि इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन स्टडी में देखा गया कि जब हार्ट पेशेंट्स के एक ग्रुप को नारियल पानी पिलाया गया तो 45 दिन बाद जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल
उतना ही कम हुआ जितना स्टैटिन ड्रग से कम होता है। अब ऐसी ड्रिंक जिसमें जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हों, उसका मुकाबला ये कल की लॉन्च हुई एनर्जी ड्रिंक्स क्या ही करेंगी। फिर चने का सत्तू या जौ का सत्तू भी आप किसी भी किराने की दुकान से खरीद कर रख लो। इसमें पानी मिला के चाहे नमकीन बना लो, चाहे मिश्री या जैगरी पाउडर डाल के मीठा पियो। प्रोटीन मिलेगा और शरीर को ठंडक भी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप इसे जरूर देखना। इसमें मैंने जल जीरा, बेल का शरबत, खीरे की ड्रिंक जैसी 7 आसान रेसिपीज शेयर की हैं, जिन्हें आप घर पे 1 मिनट में ही बड़ी आसानी से बनाकर पी सकते हैं। नेक्स्ट है फुट मसाज। दोस्तों, हमारे शरीर की गर्मी सबसे जल्दी हमारे पैरों की तलवियों से निकलती है। आप देखो, जिसके शरीर में बहुत गर्मी होगी उसके पैर भी जलेंगे, उसके पैरों में से बदबू भी बहुत आएगी। लेकिन जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी की जड़ पैरों में है। वहां मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है। आयुर्वेद के इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी एक तेल से पैरों की तलवियों की मसाज करना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी भी ठंडी होगी और माइंड भी। रात को सोने से पहले पैर धो लें और फिर तीनों में से किसी एक तेल से जो आपको पसंद हो पैरों की तलवियों की मसाज करें। एक दिन भी करके देख लो, असर दिख जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। ये लेवल 3 मसाज है, लेकिन अगर आप सीधा लेवल 5 पर जाना चाहते हैं तो इसी मसाज को कांसे की कटोरी से करें। दोस्तों, कांसा एक धातु है जो कॉपर, टिन और जिंक का एलॉय है। पुराने समय से ही इसके बर्तन बनते आए हैं। कांसा धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान पे मिल जाएगी। कांसा कटोरी से पैरों की तलवियों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की बड़ी गर्मी को कम करने का रामबाण इलाज है। आपको शरीर की गर्मी से रिलेटेड कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ रही हो, फिर चाहे पाइल्स, पेट में अल्सर हो, लिवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम्स ठीक ना हो रही हो, गुस्सा बहुत आता हो, कितनी भी गर्मी हो शरीर में, इससे ठीक होगी ही। इनफैक्ट ये टेस्ट भी है चेक करने का कि आपकी बॉडी में कितनी गर्मी है, क्योंकि तेल लगा के जब आप पैरों की तलवियों की कांसा कटोरी से मसाज करते हैं तो गर्मी के अनुसार आपका पैर काला होने लगता है। जितना ज्यादा पैर काला होगा उतना ही समझो गर्मी ज्यादा थी, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब वो निकल रही है। दोनों पैरों पे 2-2 मिनट मसाज भी अगर आप इस तरह से कुछ दिन रेगुलरली करने लग जाएं तो आपको बहुत जल्दी असर दिखेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक हैंड टॉवल अपने बेड के पास इसी के लिए ही रख लें, मालिश करके पैर उसी से ही पोंछ लिया करें। ये मसाज करके आपको ऐसा लगेगा जैसे कितना बड़ा बोझ उतार दिया गया, बहुत रिलैक्सिंग होती है ये। अगर डेली ना भी कर पाओ तो जितना मौका मिले कर लो। बाकी कांसा कटोरी नहीं यूज करना चाहते तो नॉर्मल हाथों से भी मसाज कर लोगे तो भी जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट है मटका। अगर आपको बहुत प्यास लगती है, पसीना बहुत आता है या शरीर में बड़ी गर्मी का कोई और लक्षण है तो सबसे पहले तो इस गर्मी एक मिट्टी का गढ़ा खरीद कर लाओ। दोस्तों, मिट्टी एक ऐसी चीज है जो नेचुरली बॉडी के लिए ठंडी होती है, ऊपर से इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। फ्रिज का पानी छूने से भले ही ठंडा लगे लेकिन बर्फ बॉडी में गर्मी ही करती है। दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े में स्टोर किया हुआ पानी नेचुरली ठंडा होता है, और मजे की बात यह है कि ये इतना ठंडा होता है कि जिससे प्यास बुझती है लेकिन गला खराब नहीं होगा। ऊपर से ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मटके का पानी नॉर्मल पानी से ज्यादा एल्कलाइन होता है और इसमें मिनरल्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। कहां 100 रुपए का घड़ा और कहां वो 1,00,000 रुपए का कैंगन वाटर, कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला हुआ नेचुरल सॉल्यूशन है, इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप पानी को मिट्टी के घड़े में भरकर रात को रख दो, सुबह उठकर पियो, ये गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और सनस्ट्रोक के लिए मेडिसिन का काम करेगा। आजकल तो मिट्टी की बोतल, ग्लास सब कुछ इजीली मिल रहा है। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने लग जाओ, आपकी बॉडी हीट ऑटोमेटिकली बिना कुछ और किए कम हो जाएगी। बाकी मिट्टी के बर्तन को आप खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी और धातु के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना ज़्यादा स्वाद होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है और बॉडी हीट को कम करने वाला भी होता है। और हाँ, मिट्टी के बर्तन को आप गैस पे नॉर्मल बर्तन की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे खुद मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हुए 4 साल हो गए हैं। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, एक एक हांडी 2-2 साल चल जाती है। दोस्तों, शरीर की गर्मी बढ़ जाए तो बहुत परेशान करती है, इसको हल्के में ना लें। इसलिए अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं तो ये 5 चीजें करें। गोंद कतीरा को इस्तेमाल करें,
धूप में निकलें तो सर को ढकें, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर रियल कूल ड्रिंक्स पिएं, रात को सोने से पहले अपने पैरों की तलवियों की मसाज करें और मिट्टी बर्तन स्पेशली पानी खूब पिएं और मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पिएं। बहुत जल्दी आपकी सारी समस्या का समाधान होने लगेगा। इन पांचों में से आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सी चीज लगी? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप पांचों चीजें एक साथ करें, कोई दो तीन भी कर लें तो भी काफी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक जरूर करना। गर्मियों में सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अगर आप सनरेज से अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो या तो चेहरा कवर करें या फिर एक सनस्क्रीन यूज करें, वरना ना सिर्फ टैनिंग होगी बल्कि स्किन डैमेज भी हो सकती है। लेकिन कौन सी सनस्क्रीन? भारतीय मार्केट में जो पॉपुलर सनस्क्रीन्स हैं वो नो डाउट काम करती हैं, लेकिन रिसेंटली FDA और यूरोपियन यूनियन ने उनमें बेंजीन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स पर आपत्ति जगाई है। इनफैक्ट एक स्टडी में देखा गया कि जब ऑक्सीबेंजोन सनस्क्रीन को चूहों पे अप्लाई किया गया तो उन्हें थायराइड प्रॉब्लम होने लगी। दोस्तों, आपको बेंजीन बेस्ड सनस्क्रीन अवॉइड करके मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए मामा अर्थ की मिल्की सॉफ्ट सनस्क्रीन फॉर बेबीज ना सिर्फ टॉक्सिन फ्री है बल्कि प्राइस वाइज भी ये काफी इकोनॉमिकल है। इसमें ना तो ऑक्सीबेंजोन है ना एवोबेंजीन है, बल्कि ये एक जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन है। इसमें कोको सीड बटर, शिया बटर, बादाम तेल, कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट, मिल्क और ओट्स जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं। SPF 30 इसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर भारतीय क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल है। वैसे तो ये एक बेबी प्रोडक्ट है लेकिन इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये नॉन ग्रीजी और वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है। इसका 80 ग्राम पैक आपको पड़ेगा 329 रुपए का। 21% का स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाओ, यही सनस्क्रीन 260 रुपए की पड़ेगी। मेरे ख्याल में इस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस प्राइस में मिलना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, अपनी स्किन को नेचुरली प्रोटेक्ट करो और मामा अर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करो। पतंजलि आयुर्वेद के 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो जेन्युइन हैं और वैल्यू फॉर मनी हैं, चेक करने के लिए देखें इस वीडियो को। माय नेम इज विवेक, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।